नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बींग फार्मर के अंदर। दोस्तों, आज का वीडियो है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो टिंडे की खेती होती है वो कैसे होती है, टिंडे कैसे होते हैं। मैंने शुरुआत में भी एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे दूसरे चैनल पर अपलोड किया था, उसमें अंदर मैंने बता रखा था कि हमारे इलाके के अंदर टिंडे बोए हैं और ये कब तक चलना चालू होंगे। तो टिंडे की फसल अभी आ गई है, तो आपको बताता हूँ कि टिंडे कैसे होते हैं और कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं पेड़ के लगा हुआ है, ये है टिंडा जो कि एकदम कच्चा सा टिंडा है। तो ऐसे जो टिंडे होते हैं ये बिल्कुल छोटा है, ये बिल्कुल कच्चा है। तो इन छोटो छोटे वाले टिंडों को कलेक्ट नहीं करते हैं, मतलब तोड़ते नहीं हैं। जो ये बड़े टिंडे हैं तो इनको तोड़ के और इनको जमा किया जाता है। इसी प्रकार इस खेत में काफ़ी सारे टिंडे निकल जाते हैं। आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ और भी है बिना टूटे हुए। देखिए, ये रहा एक टिंडा और इसके बाद ये रहा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये रहा एक टिंडा, इसके बाद यहाँ पे भी एक लगा हुआ है। तो इनको कलेक्ट किया जाता है और फिर कलेक्ट करके इनको इकट्ठा करके एक पल्ली में बांध दिया जाता है और इनको फिर मंडी के लिए रवाना किया जाता है। तो खेत में से जो कच्चे कच्चे टिंडे होते हैं उनको छांटा जाता है। अभी कैसे कैसे छांटते हैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो टिंडा है एकदम कच्चा है, इसकी साइज भी ठीक ठाक है, तो ये अच्छा मुनाफा देता है। मतलब ऐसे टिंडे होते हैं वो जल्दी बिक जाते हैं मंडी के अंदर। जो बड़े हो जाते हैं या जो कच्चे रह जाते हैं तो उनका ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता है किसानों को। तो आपको बता देता हूँ कि जो ऐसे है कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी है वो जयपुर में ही है, हमारे मोहाना मंडी, जो कि हमारे यहाँ से पड़ती है। उसकी जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर के लगभग है, 30 या 25 किलोमीटर हमारे यहाँ से दूर पड़ती है। तो हमारे यहाँ के किसान टिंडों को तोड़ने के बाद अपनी सब्जियों को वहीं पे लेके जाते हैं। तो हमारे भी खेत में कलेक्ट कर रहे हैं। आपको दिखा देता हूँ कि जो ऐसी टिंडियाँ हैं अभी इनको कलेक्ट कर लिया जाएगा और कलेक्ट करने के बाद इनको यहाँ से उठा के पल्लियों में बांध के और फिर मंडी के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। तो यह था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद अपने किसान भाइयों के पास शेयर करो ताकि उनको नई नई खेती की तकनीकी और इनके बारे में उनको पता चलता रहे। और काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा। अभी हमारे जो ये खेत है तो इसके अंदर देख रहे हैं मैंने क्या लगा रखा है, ये बांध रखा है ये तोतों के, मतलब तोते हमारे खेत के अंदर जो है वो नुकसान कर रहे हैं, तो उनसे बचाव के लिए लगा रखा है। अभी आज और कुछ उपाय करेंगे तो उसका वीडियो भी मैं डाल दूँगा। तो किसान भाइयों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक अच्छा वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।